बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यास्मीन। वेलकम करती हूँ आप सबको मेरे चैनल कुक विद लव एवरीडे में। आज मैं बनाने वाली हूँ देसी घी। सर्दियों का मौसम है तो बहुत सारे लोग पंजीरी, बहुत से किस्मों की हलवे बनाए जाते हैं, तो आप देसी घी घर में बना सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत जल्दी बनता है। मैंने 600 ग्राम मक्खन लिया है, ये मैंने घर में बनाया है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो मैं इसको मीडियम हीट पे छोड़ दूंगी अंटल जब तक ये मेल्ट नहीं होता। हम इसको पकाना शुरू करते हैं। ये देखिए, जब मक्खन अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर झाग बनना शुरू हो जाएगी। इस स्टेज पे मैं इसमें, ये मेरे पास गंदम का आटा है जो हम यूजली घर में रोटी के लिए यूज़ करते हैं, तो मैं इसमें 1 चाय का चम्मच डालूंगी और इसकी जो आंच है वो मैं लो पे कर दूंगी। देखिए, आटा डालने की वजह से इसके ऊपर जो झाग थी वो कम हो गई है। हमें इसको इसी तरह लो फ्लेम पे पकाना है जब तक कि घी सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखिए, घी बिल्कुल क्लियर हो गया। मुझे इसको बनाने में 15 से 20 मिनट लगे। ये मक्खन क्योंकि क्रीम से बनता है इसमें, इसलिए इतनी ज़्यादा लस्सी नहीं होती, तो ये जल्दी बन जाता है। अब मैं इसको छलनी में छान लूँगी। मैंने देसी घी को एक जार में छान लिया। आप किसी भी जार में इसको छान के, अगर गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रख दें, अगर सर्दी है तो आप सर्दियों में इसको बाहर भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट टाइम फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।